संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा की अध्यक्षता में नगर निगम के अनियमित कर्मचारियों द्वारा 20,000 रुपए वेतन प्रति माह देने के संबंध में कलेक्टर महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। नगर निगम में विगत 18, 22, 25 वर्ष से अनियमित कर्मचारियों द्वारा कार्य किया जा रहा है। इतने वर्षों से काम करने के उपरांत भी अनियमित कर्मचारियों को मनने का 10,000 रुपए वेतन भी प्राप्त नहीं होता, जबकि नगर निगम के पार्षदों का वेतन शासन द्वारा 6,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए महीना कर दिया गया है। तो हम कर्मचारियों को भी जब तक अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं होता तब तक 20,000 रुपए महीना वेतन देने की मांग की गई है। अगर हमारी मांग को अति शीघ्र पूर्ण नहीं किया जाता तो अनियमित कर्मचारियों द्वारा वेतन वृद्धि के लिए उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। सचिन शर्मा की अध्यक्षता में जगदीश तिवारी, ब्रजेश गोपाल यादव, सुनील साहू, राज रतन उइके, रविशंकर, हेमराज मल्लेखर, अनिल कश्यप, आशीष सिंह ठाकुर, राजेश श्रीवास आदि नगर निगम के अनियमित कर्मचारियों बड़ी संख्या में अपनी मांग को लेकर पहुंचे। समस्त नगर निगम अनियमित कर्मचारी द्वारा आज कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है कि भैया कि नगर निगम के समस्त पार्षदों का मानदेय 6,000 से बढ़ा के 15,000 रुपये महीना कर दिया गया है। तो हमारी मांग यही है कि नगर निगम में आज विगत 25 साल से, 22 साल से, 18 साल से, 15 साल से, 10 साल से निगम अनियमित कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। और जो कोरोना काल था 2 साल, जिस समय सबकी छुट्टियां घर में थी, लेकिन हमारे नगर निगम कर्मचारी अनियमित कर्मचारी अपने जीवन में खेल के ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य करते हुए अभी तक वर्तमान में नगर निगम में काम कर रहे हैं भैया। तो हम बस यही चाहते हैं जब कांग्रेस सरकार द्वारा पार्षदों का मानदेय बढ़ाया जा सकता है तो हमारे नगर निगम कर्मचारियों का भी अनियमित कर्मचारियों का मानदेय हर महीना 10,000 से बढ़ा के 20,000 दिए कर दिया जाए भैया। अगर ये हम जो ज्ञापन दे रहे हैं इसमें जल्द से जल्द संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम समस्त अनियमित कर्मचारियों द्वारा उग्र प्रदर्शन जल्द से जल्द किया जाएगा भैया। इस बारे में और जानकारी दी गई थी ऊपर के अधिकारी? नहीं नहीं, अभी किसी को जानकारी नहीं दी भैया। जैसे ही हमको पता चला है तो हम कलेक्टर महोदय ज्ञापन देने आए हैं कि हम यही चाहते हैं भैया कोई जो 5 साल यानी 5 साल के पार्षद बन रहा है पहली बार भी, उनका भी पेमेंट आज 6,000 से 15,000 कर दिया जा रहा है। और नगर निगम कर्मचारी अपना पूरा ईमानदारी निष्ठा पूर्वक कार्य कर रहे हैं, अपना पूरा जीवन नगर निगम को दे रहा है, उसके बाद भी जिस कर्मचारी का वेतन बढ़ना चाहिए उसका वेतन ना बढ़ा के उनका वेतन बढ़ाए, पार्षद का हमको दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे भी वेतन बढ़ना चाहिए भैया अनियमित कर्मचारी को। बस हमारी मांग यही है। नाम को भी? नाम बताइए। मेरा नाम भैया सचिन शर्मा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी।